चलो कौन कौन से थे पहला वो ग्राफ बोलो। y=2 cos x x+1/x, ये तो सिर्फ ईशान ने नहीं अभिनव ने भेजा था, बिल्कुल सही बना के भेजा था। अच्छा तो इसको है? संभव ने भेजा था, संभव ने भेजा था सर। संभव ने, संभव ने हो, संभव है, अभिनव तो कोई है ही नहीं। अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से सोचो, चलो देखो क्या है, y इक्वल टू x की लाइन है, y इक्वल टू x की लाइन। तो सबसे पहले तो एक रेफरेंस के लिए बनाता हूं y इक्वल टू x, ठीक है। अब जब x 0 और 1 के बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में, तो ये वाली चीज बहुत बड़ी होगी। जैसे ही हम 0 को अप्रोच करेंगे, 1/x बहुत बड़ा नंबर होगा, और उसमें कुछ छोटी सी चीज ऐड हो रही है, तो ग्राफ कुछ ऐसा सा होगा, देखना। और 1 पे आंसर 2 आएगा, सॉरी 1 पे आंसर 2 आएगा, मतलब ऐसे से को ग्राफ आएगा, ये लिंब ऐसे से इसको आई, 1 पे आंसर 2 आएगा। अब जैसे ही 1 से बड़ा रखा करेंगे, तो 1 में कुछ ऐड हो रहा है पॉइंट्स में, x की लाइन से बड़ी होगी चीज, x की लाइन से बड़ी होगी, समझ रहे हो ना। ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ये ऐसे ही आएगा, बीच में 0 और -1 के बीच में। -1 पे तो आंसर आएगा -2, यहां पे तो -1 है ना, और यहां पे कुछ ऐसा सा रहे। ये समझ पा रहे हो, y इक्वल टू x की लाइन से इस तरफ थोड़ा सा नीचे, वहां थोड़ा सा ऊपर, ये वाला पॉइंट होगा 2,1, सॉरी यार 1,2। यहां पे जो ये वाला पॉइंट होगा बच्चों, ये पॉइंट अपने पास होगा -1,-2। एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल, इसको याद भी रखना, रिमार्क्स में लिख लेना, एक नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और लेस देन इक्वल्स टू -2। ये आपने पहले भी सुना होगा, हमने किया वो, नंबर और उसका रेसिप्रोकल या तो हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है, या -2 या -2 से छोटा होता है। आप चेक कर सकते हो इस फंक्शन की रेंज है जो -2 से छोटी और 2 से बड़ी है, समझ पा रहे हो बच्चों। रेंज मतलब जो आंसर्स हमारे पास आ रहे, डोमेन मतलब जो हम पुट कर सकते हैं मशीन में, आप सब कुछ पुट कर सकते हो। अगर आपसे कोई पूछे इस फंक्शन की, मशीन की, इस फंक्शन या इस मशीन की डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, ये है डोमेन। डोमेन का मतलब ऐसी एक्स की वैल्यूज जो हम पुट कर पाए मशीन में, सब कुछ पुट कर देंगे, बस एक्स 0 नहीं होना चाहिए, फिर नॉट डिफाइन हो जाएगा। और रेंज क्या है, अगर आपसे कोई रेंज पूछे, -∞ से -2 ओपन क्लोज यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ये बात समझ आई, -∞ से -2 ओपन क्लोज यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ये रेंज, दिस इज रेंज। क्या समझ आया बच्चों ये ग्राफ, थोड़ा सा y इक्वल्स टू x के थोड़ा ऊपर रह रहा है 1 से बड़े के लिए, क्योंकि कुछ ऐड हो रहा है 1 में, 2 में, 3 में, जैसे 4 में 1/4 ऐड हो गया, 4.25 हो गया, समझ रहे हो ना। सबको क्लियर हुआ, कोई डाउट है तो पूछो। अच्छा अगला ग्राफ कौन सा दिया था बच्चों मैंने आपको, y=x²+5x+6 x²+5x+6, ये तो इजी दे दिया, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाना चाहते हैं, तो x+2 x+3 ऐसे तोड़ के लिख दूं। अब मुझे पता है ये क्वाड्रेटिक का एक पैराबोला तो बनना ही है, उसके लिए मैं 3 पॉइंट्स अच्छे मार्क कर लेता हूं, ये वाले, एक तो रूट बनेगा -2,0, एक पॉइंट रूट बनेगा -3, -2 और -3 इसके रूट्स हैं,
और ये 0.6 पे कटेगा। इसमें तो मेरे हिसाब से सबको आ गया होगा ये वाला ग्राफ, तो बच्चों ये तो देखते सार बनाने आ गए होंगे अब कि हमें दो रूट्स चाहिए होते हैं या फिर ये वाला एक पॉइंट चाहिए होता है जहां पे हमारा ग्राफ वाई एक्सिस को कट करता है। देखो समझ पाए, ये 0.c ही तो होगा 0.6, एक्स इक्वल्स टू जीरो, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो वाई इज इक्वल्स टू 6। जितने आप ग्राफ बनाया करोगे उतने आपको ग्राफ आया करेंगे हर रोज, समझ आया सबको ये। अब यहां पे आप बता सकते हो a का साइन क्या है ग्रेटर देन जीरो, d का साइन क्या है ग्रेटर देन जीरो, c का साइन क्या है ग्रेटर देन जीरो। अगर वर्टेक्स इसका इस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस b बाई टू ए कॉमा माइनस d बाई फोर ए, क्या बता सकते हो बच्चों b का साइन क्या होगा? वैसे तो ऑरली दिख रहा है, ग्रेटर देन क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो ही है, देखो यहां पे ही दिख रहा है, ये b तो होता है 5। अगर आपसे कोई पूछे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज क्या है, क्या बता सकते हो रेंज क्या है इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की, कि वाई की वैल्यूज कहां से कहां तक आ रही हैं? रेंज का मतलब आउटपुट क्या आ रही है, आउटपुट जैसे डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स है ना, डोमेन का मतलब हम क्या कुछ पुट कर सकते हैं भाई, सब कुछ पुट कर सकते हो। देखो ऑल रियल नंबर्स में कुछ भी पुट करते रहो, ये हमारी इनपुट है, ये हमारी इनपुट एक्सिस है, आउटपुट बता सकते हो कहां से कहां तक है सारे बच्चे? आउटपुट कहां से कहां तक है? माइनस डी बाई फोर ए टू इन्फिनिटी, वो तो ठीक है गधे, माइनस डी बाई फोर ए तो बता दे कितना है, ये तो सबको पता है माइनस डी बाई फोर ए टू इन्फिनिटी है क्लोज ओपन, माइनस डी बाई फोर ए कितना है? बच्चों रेंज का मतलब समझ पा रहे हो ना, मतलब जो आंसर्स आ रहे हैं बस, बड़ा सिंपल है। बता सकते हो अरे यार सॉल्व भी तो करना था, मैं तो समझ, माइनस फाइव बाय टू इन्फिनिटी, क्या ये आया सबका? क्या सबका आया? माइनस डी बाई फोर ए निकालना था यार, डिस्क्रिमिनेट तो पता ही है क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ए बी सी तुम्हें पता ही है। आई एम लिटिल बिट सरप्राइज कि हो नहीं रहा, कहीं पे प्रॉब्लम है तो बेटा पूछो खुल के। सर इसने गलत नहीं बताया? गलत तो बताया गधे ने सर, माइनस वन बाई फोर, एस माइनस वन बाई फोर। सॉल्विंग नहीं ना आती इसको करनी, करनी आईआईटी है, मैं ही कर देता हूँ रहने दो। माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, किड्डी कोखी गलती यार बताओ। 25 माइनस 24 एक कुंदा, रट्टा मार लो जिसको नहीं आता वही। अच्छा बस ये दो ग्राफ दिए थे, चलो वाई इक्वल टू रूट एक्स भी दिया था। इसको बोलते हैं स्केयर रूट फंक्शन, इसको बोलते हैं स्केयर रूट फंक्शन। इसकी बच्चों जो डोमेन होती है, डोमेन क्या होगी इसकी? एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगी ना, हमेशा पॉजिटिव नंबर ही पुट कर पाएंगे, नेगेटिव में तो इमेजिनरी बन जाएगा, समझ रहे हो? वाई इज इक्वल्स टू रूट एक्स, और इसका ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों? कुछ ऐसा, अगर आप चार पुट कर रहे हो तो आंसर हमेशा दो आ रहा है, समझ रहे हो? आंसर कम ही आ रहा है, वैसे ग्राफ इंक्रीजिंग फंक्शन ही है। देखो इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब समझ रहे हो ना, आंसर्स हमेशा ज्यादा की ओर ही जा रहे हैं, मतलब अगर x1 less than x2 है तो f of x1 less than equals to f of x2, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। फंक्शन का मतलब तो समझ आ रहा है ना, मशीन। अगर आपने कोई छोटी चीज पुट की तो छोटा आंसर आएगा, बड़ी चीज पुट की तो बड़ा आंसर आएगा, इंक्रीजिंग। थोड़ा सा समझ आया? थोड़ा सा
y equals to root x, इसको square root function भी बोलते हैं। चलो अब लिखो greatest integer function, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2013 के पेपर में आपने देखा होगा, 12 के पेपर में क्वेश्चन आया वो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ऐसे डिनोट होता है ये, ऐसे y इज इक्वल्स टू जिंटेक्स, इसको बोलते हैं जिंटेक्स। अब ये पहले डेफिनेशन लिखो क्या होती है, ठीक है, डेफिनेशन, फिर मैं समझाऊंगा कि होता क्या है। बहुत अच्छी मशीन है, बहुत प्यारी मशीन है, जिंटेक्स इंडिकेट्स द इंटेग्रल पार्ट ऑफ एक्स, which is nearest and smaller integer to x, it is also known as floor of x. It is also known as floor of x. दो बार डेफिनेशन को रीड करो जल्दी, फिर समझाऊंगा कि ये क्या होता है। सारे बच्चे करें। अब देखो ये क्या चीज है, देखो बच्चों ध्यान से, y इज इक्वल टू जिंटेक्स, ये कैसी मशीन है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छी मशीन है। अगर मान लो हमने इसमें पुट किया 2.1, मान लो हमने इसमें पुट किया 2.1, तो क्या करती है ये मशीन, उसके पीछे के सारे इंटीजर्स को उठा लेती है। ये मशीन क्या करती है, उसके पीछे से सारे इंटीजर्स को उठा लेती है। कौन कौन से इंटीजर्स उठा लेगी, 2, 1, 0, -1, -2, जितने भी है सारे इंटीजर्स उठा लेगी उसके पीछे वाले, और आपको सबसे बड़ा आंसर दे देगी उस इंटीजर्स में से। उन सभी इंटीजर्स में से सबसे बड़ा क्या है, 2 है, तो आंसर क्या दे देगी, 2। बात समझ रहे हो, अगर आपने मान लो पुट किया 0.4, तो आपको आंसर क्या देगी, 0, 0, 0। अगर आपने पुट किया 8.9, तो आपको आंसर क्या देगी, 8 आंसर देगी, शाबाश। अगर आपने पुट किया 4, तो आंसर क्या देगी, 4 ही दे देगी। भाई इंटीजर्स उठाने थे, वो अगर इंटीजर ही पुट कर दिया तो उसको तो उठाएगी ना, बात समझ रही हो ना। जिंटेक्स इंडिकेट्स द इंटेग्रल पार्ट ऑफ एक्स विच इज नियरेस्ट एंड स्मॉलर इंटीजर टू एक्स, जो नियरेस्ट है, इट इज ऑल्सो नोन एज अ फ्लोर ऑफ एक्स। बात समझ आ गई ना। अच्छा अब ये बताओ बच्चों, -2.1 का जिंट क्या होगा, सोच के देखो, फिर -3। शाबाश, -3, क्योंकि देखो -2.1 यहां पे, -3 यहां पे, -2, -2.1 के पीछे वाले सारे इंटीजर्स उठा लिए, -3, -4, उसमें से सबसे बड़ा क्या था, -3 दे दिया। बात समझ रहे हो ना, बच्चे बस कंफ्यूज होके -2 बोल देते हैं।
ये बात समझ आ गई होगी अगर आपने मशीन की नेचर को समझा कि वो क्या करती है। अगर आपने इंटीजर वैल्यू नहीं डाली, अगर तो इंटीजर डाली तो इंटीजर ही आंसर है। देखो सीधी सी बात है, अगर आपने इंटीजर डाली इनपुट तो वही इंटीजर आंसर आ जाएगा। अगर आपने इंटीजर नहीं डाला तो उस इंटीजर से पीछे वाले सारे इंटीजर्स पिक हो जाएंगे और उन पिक्ड इंटीजर्स में से सबसे बड़ा इंटीजर आपका आंसर होगा। बस उन पिक किए हुए इंटीजर्स में से सबसे बड़ा इंटीजर आपका आंसर होगा। मेरे हिसाब से सबको समझ आ जाना चाहिए, चाहे कोई छोटा बच्चा ही क्यों ना बैठा है क्लास में। बात समझ आ रही है? Yes, sir. Very good. Draw the graph of Zintec. ये क्वेश्चन है अब आप लोगों के लिए। मन से बनाओ घर को, मन से गलती करो कोई बात नहीं। Draw the graph of y is equals to Zintec. Come on, guys. हो गया बेटा? सोच के देखना पड़ेगा। वेरी गुड। तो मैं कॉपी दिखाओ अपनी अपनी। चिराग तू कॉपी दिखा। अरे थोड़ा सा गलत है, बाकी ठीक है। और कौन दिखाएगा? तेरा ठीक है भाई, लड़के क्रिश का। और देवियों में से किसी ने किया? अरे नहीं, तूने तो डंडियां मार रखी हैं, ध्यान से देख। दिखाइयो। अरे हाँ गधे, गलत है। जुड़ेगा तो है ही नहीं, डिसकंटिन्यूअस कर्व बनेगी। सभी बना सकते हो यार, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, थोड़ा ट्राई करो, बहुत मजा नहीं है। मैथमेटिक्स तभी मजा देती है जब हम कोई अनसॉल्व्ड चीज की सॉल्विंग करते हैं। अगर मैंने एक बार क्वेश्चन करवाई दिया, फिर क्वेश्चन निकालने का क्या मजा, फिर तो लोक दिखावा है। सोच के देखो मैथ की ब्यूटी क्या है, सॉल्व ना होना। रिटर्न ठीक है, और संभव, ईशान, पाहुल, विनस, पढ़ते नहीं हो घर पे?
अरे वीनस कुछ तो बनाओ, कुछ तो दिखाओ क्या किया तुमने। धुंधी दिख रही है मुझे तो, और कुछ नहीं दिख रहा। अच्छे से तो दिखाओ। क्या बात है, वाई इक्वल टू एक्स की लाइन ही मार दी। नो सर, अरे पाहुल तुमने क्या रंग लगाए हैं देखें। अब देखना आप ठीक हो। रुक जा छोटू, दिखाओ बाहुल। नहीं नहीं रहने दो, सब लड़कियां एक तरह की सोचती हैं। हाँ दिखा भाई। हाँ अब ठीक है, तेरा दो बार में बनाता है। चलो भाई देखो। अरे यार संभव, मैं उम्मीद करता हूं तुझसे। तो ध्यान से देखो, कुछ नहीं था, बड़े सिंपल था। अगर आपने मशीन को समझा, मशीन क्या करती है, अगर आप इसमें इंटीजर डालते हो तो वही आंसर है। अगर आप इंटीजर नहीं डालते हो, ठीक है, दो ही चीजें हैं, या तो इंटीजर डालोगे या नहीं डालोगे। अगर इंटीजर नहीं डालोगे तो वो उससे पीछे वाले सारे इंटीजर्स पिक कर लेती है, और उनमें से पिक्ड इंटीजर्स में से सबसे बड़ा इंटीजर आपका आंसर है। अब देखते हैं जीरो और वन के बीच में। आपने जीरो डाला, भाई जीरो डालने पे आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा ना, जीरो तो एक इंटीजर है। आपने वन डाला, वन पे आंसर क्या आएगा, वन आएगा, वन पे आंसर वन आएगा। जीरो और वन के बीच में कुछ भी डालो, 0.4 डालो, 0.5, 0.1, 0.2, आंसर क्या आएगा हर बार, जीरो ही आएगा ना बेटा। उसके पीछे वाले सारे इंटीजर्स पिक हो जाएंगे, जीरो सबसे बड़ा इंटीजर है उनमें से, तो आंसर आ गया जीरो। यहां पे ओपन लगा रहा हूं क्योंकि वन पे आंसर वन है, जीरो नहीं है, ठीक है। अब वन और टू के बीच में सोचो बेटा, आंसर हर बार वन आएगा ना। टू पे ओपन, टू और थ्री के बीच में देखो क्या आंसर आएगा, टू। टू पे ओपन, थ्री और फोर के बीच में सोचो आंसर क्या आएगा, थ्री। थ्री पे क्लोज, फोर पे ओपन। बात समझ रहे हो, ये पहले यहां तक देखो, क्या समझ आ रही है, बना के देखो खुद से, कम ऑन। मुश्किल काम करने ही बैठे हैं अभी हम, जिस पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं वो प्रेस्टीजियस एग्जाम है मैथमेटिक्स का बहुत, इस बात को समझो और ईमानदारी से घर पे पढ़ो बेटा हर रोज। मेरे हिसाब से समझ आना चाहिए कि बस, अगर जिस दिन आपने मशीन को समझा, मशीन क्या कर रही है, इंटीजर पे इंटीजर आंसर दे रही है। अगर आपने नॉन इंटीजर डाला तो उससे पीछे वाले सारे इंटीजर्स पिक कर रही है और सबसे बड़े वाला आंसर दे रही है, उसके नियरेस्ट, समझ रहे हो ना। चाहे आप डेफिनेशन से पढ़ लो, जैसे मैंने आपको सिखाया पंजाबी में वैसे सीख लो। अब आप सोच के देखो, जीरो और माइनस वन के बीच में आंसर क्या आएगा, जीरो और माइनस वन के बीच में आंसर क्या आएगा, माइनस वन, माइनस वन आएगा ना। जीरो पे ओपन डाल रहा हूं क्योंकि जीरो पे यहां पे क्लोज है। माइनस वन और माइनस टू के बीच में आंसर क्या आएगा, माइनस टू, समझ रहे हो ना। ऐसे ही माइनस टू और माइनस थ्री के बीच में आंसर क्या आएगा, माइनस थ्री। फ्लोर फंक्शन है ना ये, फ्लोर फंक्शन, देखो स्टेप, स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं इसको, स्टेप फंक्शन, स्टेप वाइज फंक्शन भी बोला जाता है, स्टेप वाइज फंक्शन, क्योंकि इसके ग्राफ्स में स्टेप्स बनते हैं, स्टेप्स, पौड़ियां, समझ रहे हो, घर पे पौड़ियां होती हैं ऐसे ही। अरे देखो बच्चों, समझ आया कि नहीं आया। यस यस, सभी देखो ध्यान से एक मिनट लगा के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं ओलंपियाड्स के लिए। हमारे पास टाइम है, हम बड़े आराम से करेंगे, टेंशन मत लो, बट हर रोज इंप्रूवमेंट जरूर करो मैथमेटिक्स में अपनी। पीएनसी को अच्छे से करो, संडे वाली क्लास को अच्छे से लगाया करो। असाइनमेंट कर ली जो मैंने भेजी थी? यस सर। यस सर। अरे देवियों ने कर ली, पाहुल को छोड़ के एक ही देवी बची है उसके बाद तो। नॉन मेडिकल वाले बात कर रहा हूँ, मेडिकल वाले कौन कौन कर रहे हैं,
मेडिकल वाले कौन कौन कर रहे हैं? पीएनजी को भव्यांशी कर रही है, वेरी गुड भव्यांशी, और बस। अरे सुहानी मुझे तो लगता है तुम इंटेलिजेंट थी। अदबप्रीत भी कर रही है, वेरी गुड। अरे नहीं 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 मैं तो तुम्हारे बारे में गलत ही सोच रहा था सुहानी, है ना? पढ़ना छोड़ रखा है सबने। चलो अब इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सोचना ही पड़ेगा, ठीक है, कोई रट्टा नहीं है। अगर जिंट एक्स एन के इक्वल है और एन एक इंटीजर है, अगर जिंट एक्स एन के इक्वल है तो प्यारे बच्चों तो आप बता सकते हो ना एन कहां से कहां तक बीच होगा। अगर जिंट एक्स वन के इक्वल है, एक्स को आप कहां से कहां तक रख सकते हो, वन और टू के बीच में कुछ भी रख सकते हो ना। अगर जिंट एक्स वन के इक्वल है तो एक्स वन और टू के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो एक्स की वैल्यू एन से लेके एन प्लस वन के बीच में कुछ भी हो सकती है। इक्वेलिटी, ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है। अगर जिंट एक्स एन के इक्वल है तो एक्स एन और एन प्लस वन के बीच में होता है, एन पे क्लोज है, एन प्लस वन पे ओपन है। आप थोड़ा सोच सकते हो, समझ आया? अगला, जिंट एक्स एक्स के इक्वल कब हो सकता है, बताओगे जब एक्स क्या हो? सर जीरो। तेरी जब एक्स एक इंटीजर हो, जिंट एक्स एक्स के इक्वल ही हो जाएगा ना। आपने वन डाला जिंट में तो वन ही आंसर आ गया, टू पे टू ही आंसर आ गया, थ्री पे थ्री आंसर आ गया, माइनस वन पे माइनस वन आंसर आ गया। अरे उत्सव, ये बात समझ रहे हो बेटा सारे? यस। एक्स प्लस आई का जिंट, आई एक इंटीजर है, सोच के देखो क्या होगा एक्स प्लस आई का जिंट। क्या ये बोल सकता हूं जिंट एक्स प्लस आई, आई इज एन इंटीजर? चेक करो प्रॉपर्टी क्या वैलिड हो रही है। 2.4 प्लस 5 का जिंट, 2.4 प्लस 5 का जिंट क्या होगा? 7.4, 7.4 का जिंट 7। अब चाहे इसको ऐसे लिख लो 2.4 का जिंट प्लस 5, 5 बाहर निकल गया ना जिंट से, इसको 2 प्लस 5 भी तो लिख सकते हैं। जिंट ने क्या करना होता है, फ्रैक्शन को खत्म करना होता है, समझ रहे हो? फ्रैक्शन को खत्म करना होता है, थोड़ा फील कर पा रहे हो बच्चों? जिंट फ्रैक्शन को खत्म करता है। इंटीजर को तो उतना ही जोड़ देगा ना बाहर भी, बात समझ आई थोड़ी सी? अच्छा अगली प्रॉपर्टी, अगर कोई फंक्शन है फाई ऑफ एक्स, अगर कोई फंक्शन है फाई ऑफ एक्स, फाई ऑफ एक्स का जिंट, फाई ऑफ एक्स का जिंट, फाई ऑफ एक्स का जिंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई है, देन जो फाई ऑफ एक्स होगा वो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई होगा। क्या सोच के देखो, सोच के देखो बेटा, अगर आपका फंक्शन दो या दो से बड़ा है, उसका जिंट कर रहे हो, तो फंक्शन भी आपने दो या दो से बड़ा ही रखा होगा ना। किसी चीज का जिंट करके आंसर दो या दो से बड़ा आ रहा है एग्जांपल के तौर पे, तो आपने रखा भी तो इधर ही होगा जो फंक्शन होगा, सीधी सी बात है, समझ पा रहे हो कि नहीं? प्योर मैथमेटिक्स शुरू हो गई है। अच्छा एक प्रॉपर्टी क्या कहती है, फाई ऑफ एक्स का जिंट लेस देन इक्वल्स टू आई है, तो क्या ये लिखना सही है कि जो फाई ऑफ एक्स है लेस देन आई प्लस वन है? अगर भाई अब दो से छोटा है, फाई ऑफ एक्स का जिंट करके दो से छोटा आंसर आ रहा है, तो आपने जो फाई ऑफ एक्स होगा वो आई प्लस वन से तो छोटा होगा ना। फाई ऑफ एक्स का जिंट करने पे आई जा आई से छोटा आंसर आ रहा है, मतलब दो जा दो से छोटा आंसर आ रहा है, ये आंसर दो है, ठीक है? तो आप यहां से यहां तक रख सकते थे ना फाई एक्स को, यहां तक लेके जा सकते हैं तीन से पहले। जैसे बच्चों फाई ऑफ एक्स का जिंट करने पे जो आंसर है, मैं कह रहा हूं कि दो या दो से छोटा है, तो फाई ऑफ एक्स को कहां से कहां तक रख सकते हैं भाई,
यहां तक ले जाओ ना, चाहे फाइ ऑफ एक्स को तीन से छोटा कर सकते हैं ना हम, तीन नहीं रख सकते, बस तीन नहीं रख सकते, तीन से छोटा कर सकते हैं, सोचना पड़ेगा, क्योंकि 2.5 हो गया अगर फाइ एक्स, तब भी तो उसका आंसर 2 आ जाएगा ना प्रिंट करने पे, क्या समझ पाए? थोड़ा सा सोचनी पड़ेगी प्रॉपर्टीज, बारी 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 तब आती हैं ये, थोड़ी मेहनत तो लगती है यार। अगली माइनस एक्स का जिंट, सोच के देखो माइनस एक्स का जिंट, एक्स इज एन इंटीजर, जब एक्स एक इंटीजर है, माइनस टू का इंटीजर जिंट क्या होता है भाई? माइनस टू ही होता है, माइनस एक्स ही हो जाते हैं, बाहर निकाल सकता हूं ना जिंट को, जिंट से माइनस बाहर निकल सकते हैं जब एक्स इंटीजर है। माइनस टू का जिंट ऐसे लिख सकता हूं, माइनस टू का जिंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ टू का जिंट, भाई बात तो एक ही है। अच्छा अब माइनस एक्स का जिंट किसके इक्वल आएगा आप खुद बताओगे, जब एक्स इंटीजर नहीं है, चलो बताओ, जिसने बताया चॉकलेट दूंगा। सर माइनस एक्स प्लस वन, क्या कह रहे हो बेटा? सर माइनस में एक्स प्लस वन का जिंट, माइनस में एक्स प्लस वन का, पूरा एक्स प्लस वन, सर यस एक्स प्लस वन का पूरा जिंट, एक्स प्लस वन का ऐसे, यस सही है भाई लड़के का, बिल्कुल सही, क्या बात, दिमाग है इसके पास में। अरे बाकी लोग भी कुछ सोच लो यार, बन गया। सोच के देखो बच्चों, माइनस ऑफ 2.4 का जिंक, एक्चुअल में ये क्या होता है माइनस ऑफ 2.4 का जिंक? माइनस 3 होता है ना, अगर मैं इसको प्लस की फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो क्या ऐसे नहीं लिखना चाहिए माइनस जिंट माइनस 1, क्योंकि माइनस ऑफ 2.4 का जिंट अगर मैं लिख देता तो वो तो माइनस 2 आ जाता आंसर, क्योंकि 2.4 का आंसर तो 2 आता है ना, साथ में माइनस 1 भी करना पड़ता है। एक्चुअल में जो इसने चिराग ने बोला इसको भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, जिंट एक्स प्लस वन, फिर बाहर माइनस लगा हुआ है तो माइनस जिंट माइनस वन, बात समझ आया ना सबको? अब घर के लिए होमवर्क है, जिंट वाई इज इक्वल्स टू जिंट एक्स, बहुत अच्छा ग्राफ है इसका जो बनेगा, ग्राफ बनाना है, जिंट वाई इज इक्वल टू जिंट एक्स का, बहुत ही अच्छा ग्राफ बनेगा, टाइम लगेगा कम से कम 20-25 मिनट बनाते समय, और बना के मुझे चेक करवा लेना एक बार, ठीक है बच्चों? अच्छा अगला लिखो जो हमें फंक्शन पढ़ना है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डिनोटेड बाय दिस, वाई इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, जो ये करली ब्रैकेट है
दिस डिनोट्स द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स. This denotes the fractional part of x. क्या नाम से कुछ कुछ गेस कर सकते हैं? चलो बच्चों, ये क्या होती है ध्यान से समझना, ये मशीन क्या है? ये आपने 2.5 फुट किया तो क्या आंसर देगी बता सकते हो? 0.5 फ्रैक्शन आंसर आ जाएगा. फ्रैक्शन इज आंसर. अगर आपने 2 पुट किया तो आंसर क्या आ जाएगा? 0. 0. अगर आपने 8.9 पुट किया तो फ्रैक्शन में आंसर क्या आ जाएगा? 0.9. अब सोच के बताना, अगर आपने माइनस का 1.5 पुट किया, माइनस का 1.4 पुट करो तो फ्रैक्शन कितने आंसर आएगी? शाबाश. कौन बोला था 0.6? सरोज सर. वेरी गुड. देखो कैसे बच्चों, जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है वो बाय डेफिनेशन क्या होता है? बाय डेफिनेशन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, x में से उसका इंटीजर माइनस करना है, x में से उसका इंटीजर. माइनस 2.4 की फ्रैक्शन क्या बनेगी? माइनस 2.4 में से क्या माइनस करना है? माइनस 2.4 का जेंट. माइनस 2.4 में से माइनस 2.4 का जेंट क्या होता है? 3 माइनस का. माइनस 2.4 प्लस 3 तो कितना आंसर आ गया? 0.6. क्या बात समझ आया भाई? आप खुद भी सोच सकते हो, जैसे 1, 2, 0, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 और यहां पे 3. माइनस 2.4, 2 पॉइंट की 4 की फ्रैक्शन तो इतनी है. लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं ना हम फ्रैक्शन को, ये वाली, कि इंटीजर से कितना बड़ा. ठीक है, अब माइनस 2.4, माइनस 2.4 इधर है. अब फ्रैक्शन तो लेफ्ट हैंड साइड ही देखनी पड़ेगी ना. ये वाला पार्ट ही फ्रैक्शन होगा. बात समझ आ रही है कि नहीं सभी को? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस जेंटेक्स. अब आपके लिए क्वेश्चन है, draw the graph of y is equals to fractional part of x. तो सभी बना लोगे अगर मन से बनाया. चलो बच्चों. डेंसर. वेरी गुड. दिखा हाँ सही है. और तो काफी इजी था मेरे हिसाब से. तो
हैं, देखें। हाँ सही है, संभव। अरे हो जाना चाहिए था यार, अब तक तो हो गया, पढ़ते नहीं हो, दिमाग पता नहीं कहाँ है तुम लोगों का सबका। अरे पाहुल रागवी से बात नहीं होती, ज्यादा नहीं होती, जितनी को होती है उसके बारे में बता दो सर, उस कॉल के बाद बात ही नहीं। ऐसा करोगी? चलो अर्जी, पता नहीं उसको क्या हो गया। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, बच्चों अगर आप 2.4 डाल रहे हो तो 0.4 आंसर। देखो ना, 1 पे फ्रैक्शन 0, 0 पे फ्रैक्शन 0, 0 की फ्रैक्शन तो 0 होती है। अब 0 और 1 के बीच में देखो क्या होगा, अगर आप 0.5 डालोगे तो 0.5 फ्रैक्शन, 0.6 डालोगे तो 0.6 फ्रैक्शन, y इक्वल टू x की कर्व भी बनेगी। एक्चुअल में ये कर्व क्या होगी, y इक्वल टू x ही तो होगी। अब 1 और 2 के बीच में क्या होगा, 1.1 पे 0.1 फ्रैक्शन, 1.5 पे 0.5 फ्रैक्शन, ये भी तो y इक्वल्स टू x के पैरेलल लाइन ही होगी, y इक्वल्स टू x के पैरेलल लाइन ही होगी ये भी, यहां पे भी, समझ रहे हो ना? यहां पे ध्यान से देखो, बस यहां पे थोड़ा ध्यान से देखना होता है, ये सारी लाइंस y इक्वल टू x की लाइंस हैं। क्या कोई इसकी इक्वेशन बता सकता है मुझे क्या होगी? दिमाग देख लोगे तो तुम लोगों का, y इक्वल्स टू x माइनस 1 होगी यार, इसकी y इक्वल्स टू x प्लस 1 होगी, इसकी y इक्वल्स टू x माइनस 2 होगी, इसकी y इक्वल्स टू x प्लस 2 होगी। यार तुम लोगों को ये बातें समझ आ रही हैं? सच सच बताओ विनस, कितने परसेंट समझ आ रहा है अगर तुम सच बोलोगी? 95%। ओह माय गॉड, इतनी कैलकुलेशंस बिठाई इसने, 95 बोला। अच्छा सुहानी को पूछते हैं कितने परसेंट समझ आ रहा है, उससे आइडिया लगेगा कि किसके पल्ले क्या है। 92-95। ओह माय गॉड, पे लॉक कर दें, क्या कहती हो देवी जी? लॉक करना चाहिए, 10 सेकंड रह गए। एवरेज ले ली ना मैंने, 90 प्लस 95 बाय 2, मैथमेटिक्स ही तो आती है, अरिथमेटिक मेन ले लिया, ठीक है। अब तुम्हारा भाई कहाँ है, वो आज दिख नहीं रहा, कभी आ रहा है कभी जा रहा है क्लास से, समझ ही नहीं आ रहा। घर पे वाईफाई ठीक नहीं चल रहा क्या सर? आज इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है। तेरी बहन का तो ऐसे है बिल्कुल, सिरा अलग अलग लगा हुआ दोनों के पास। सर मेरा वो उसका वो अलग अलग है सर, रूटर है ना मेरा वाला, वो उसका रियल वाला, इसलिए वो कनेक्शन का इश्यू पड़ जाता है इसको। अच्छा भाई उसने पैसे ज्यादा भरे हुए हैं फिर, यही है तेने पैसे कम भरे हैं, सब गेम पैसे की है। ये समझ आया कि नहीं, पल्ले नहीं पड़ा? बेटा ये ओलंपियाड है, ठीक है, तो अपना सोच लो। चलो प्रॉपर्टीज करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एक्स के इक्वल कब होता है बताओ? एक्स कहां से कहां तक हो? भाई एक्स जीरो और वन के बीच में, एक्स जीरो और वन के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एक्स के इक्वल होते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जीरो कहां कहां पे होता है, एक्स को क्या रख सकते हैं, क्या आएगा आंसर?
इंटीजर। वेरी गुड। माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, क्या बता सकते हो क्या आएगा यहां पे, क्या लगाऊं? एक्स। अरे लड़की दिमाग तो लगाती। एक्स। हाँ गलत है। माइनस एक्स। अरे मूर्ख, वो कहता अंधों में काना राजा, वो बात है क्रिश तेरी। और माइनस 2.4 की फ्रैक्शन निकालनी है, मैंने लिखा माइनस ऑफ 2.4। अरे प्रणाम करते हैं आपको। माइनस 2.4 की फ्रैक्शन कितनी होती, 0.4, बट इसकी कितनी होनी थी, 0.6, तो 1 - 0.4 ही आएगा। माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 - फ्रैक्शन ऑफ एक्स, समझ रहे हो? क्या कोई बच्चा राघवी के कॉन्टेक्ट में है जो उसको आईडी भेज रहे? चलो अच्छी बात है। ये देखो फिर, जब भी आप लोग बदमाशी करोगे तो सोच के करना किसके सामने कर रहे हो, ठीक है? देखो ना बच्चों, माइनस ऑफ 8.4 की फ्रैक्शन क्या होनी थी, अगर मैं इसको लिखूं 8.4 की फ्रैक्शन तो 0.4 है, 1 में से माइनस करना पड़ता है ना, हमें लेफ्ट हैंड साइड देखना होता है, 0.6, समझे कि नहीं? सारी की सारी बात ये। अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट सा ग्राफ लिख लो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इज इक्वल्स टू, अब करके सारे मुझे चेक करवाएंगे अपना अपना। अगला फंक्शन है लीस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन। पहले लिखो डेफिनेशन, इसको हम ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं या फिर ऊपर की तरफ ऐसे, समझ रहे हो ना? जिंट में तो क्लोज टाइप ब्रैकेट होती है। इंडिकेट्स द इंटेग्रल पार्ट ऑफ एक्स, इंटेग्रल पार्ट ऑफ एक्स विच इज नियरेस्ट एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर टू एक्स। डेफिनेशन को दो बार पढ़ो फिर समझाता हूं। दो बार पढ़ो बच्चों। वेरी गुड। देखो ये क्या करती है, ये मशीन क्या करती है, सिंबल ध्यान से डालना। मान लो आपने इंटीजर डाला, भाई इंटीजर डालने पे तो इंटीजर ही आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने अब इंटीजर नहीं डाला, मान लो 2.4 डाला, ये 2.4 से आगे वाले सारे इंटीजर्स उठा लेगी, 2.4 से आगे वाले सारे इंटीजर्स उठा लेगी। आगे वाले उठाने का मतलब 3 उठा लिया, 4 उठा लिया, 5 उठा लिया, 6 उठा लिया, और उनमें से सबसे छोटा आंसर दे देगी, उनमें से सबसे छोटा आंसर दे देगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या होता था, सबसे छोटे, सारे छोटे उठा लिए, छोटों में से बड़ा आंसर मिलता था। यहां पे क्या हो रहा है, सारे बड़े उठा लिए, बड़ों में से सबसे छोटा आंसर मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन।
कि इंटीजर्स तो पिक करती है मशीन बट लीस्ट वाला आंसर देती है, ऐसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर्स तो पिक करती है मशीन बट ग्रेटेस्ट वाला आंसर देती है। बात समझ रहे हो? 2.4 का आंसर क्या आ जाएगा? 3। 8.4 का कितना? 8.9 का कितना आएगा? 9। माइनस 2.1 का जिंट कितना होगा बच्चों? -2, -1, -3, -2.1 इधर होता है, इसके पीछे वाले सारे इंटीजर्स उठा लिए तो आंसर सबसे बड़ा वाला। बच्चे गलती करके बोल देते हैं कई बार -1, गलती मत करना बच्चों, समझ लो ठीक है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू लीस्ट इंटीजर फंक्शन। बहुत कम यूज होता है ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन बट वैसे ही करवा रहा हूं, ओलंपियाड में तो कभी आया नहीं आज तक बट फिर भी पता तो होना चाहिए था, टाइम का क्या पता लगता है। ग्राफ बना सकते हो वैसे आप सारे, इसका जिंट के टाइप का ही बनेगा बट थोड़ा सा अलग। वेरी गुड डेंसर, गुड। वेरी गुड बच्चों, देखो स्मॉलेस्ट इंटीजर का फंक्शन ग्राफ बनाना था, जीरो पे तो आंसर जीरो आएगा, वन पे आंसर वन आएगा, टू पे आंसर टू आएगा, पहले ये मार्किंग कर लिया गया ठीक है। अब जीरो और वन के बीच में आंसर हमेशा क्या आता? वन आता, ये आ गया। वन और टू के बीच में आंसर हमेशा क्या आता बच्चों? टू आता, समझ रहे हो? जीरो और माइनस वन के बीच में माइनस वन पे आंसर तो माइनस वन आता, आंसर जीरो आता, समझ रहे हो ना? माइनस वन पे माइनस वन आता, माइनस वन और माइनस टू के बीच में क्या आता बच्चों? आंसर माइनस वन आता। माइनस टू और माइनस थ्री के बीच में क्या आता बच्चों? आंसर माइनस टू पे माइनस टू आता, माइनस टू और माइनस थ्री के बीच में क्या आता? फिर यहां पे आता, क्या ये समझ रहे हो? ऐसा ग्राफ, थोड़ा फर्क है पिछले वाले से, पिछले वाले से फर्क है, क्या समझ आया कि नहीं? लीस्ट इंटीजर फंक्शन, समझ गए सारे? यस सर, यस सर। इट इज ऑल्सो नोन एज, लिख लो नॉलेज के लिए, इट इज ऑल्सो नोन एज सीलिंग फंक्शन, सीलिंग फंक्शन ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज सीलिंग फंक्शन, है ना? छत की तरह, छत की तरफ जाते हुए। अच्छे से आज अपने नोट्स रिवाइज करोगे, आप लोगों का होमवर्क देख लो, अच्छे से आप लोगों को अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, प्लस में आपको क्या करना है? 2012-2013 का ओलंपियाड पेपर करना है ठीक। 2012-2013 का ओलंपियाड पेपर, कल हम पियर्सन के एक दो चैप्टर डिस्कस करेंगे। आप लोग पहले ग्रुप में मुझे बता दोगे कि हमें कौन से चैप्टर डिस्कस करने हैं, मुझे भी बुक अरेंज करनी पड़ेगी पहले ठीक है, मैं ग्रुप बुक अरेंज कर लूंगा। 9th की करना चाहते हो कि 10th की पहले? सर 9th, वेरी गुड, 9th की पियर्सन कर लेते हैं। बस सिर्फ मेंजुरेशन एंड ज्योमेट्री करनी है सारी पियर्सन में से? यस सर,
यस सर। अच्छा चलो कोई बात नहीं, फिर कल और होमवर्क दे दूंगा, पियर्सन हमें कंप्लीट करनी है 9th और 10th की, ठीक है? फिर मैं दोबारा से आरडीपी रिवाइज करवाऊंगा, टेंशन मत लो, सारी की सारी डिस्कस करूंगा दोबारा से। चलो आज के लिए इतना ही, अब इस पे टाइम लगाओ बेटा। देखो जब हमने शुरू किया था हमसे एक क्वेश्चन भी नहीं निकलता था, अगर हमें अभी भी 20 में से 5-6 क्वेश्चंस निकल रहे हैं तो यही हमारी जीत है। 20 क्वेश्चंस होते हैं जो ओलंपियाड के, अगर 5-6 आप निकाल पा रहे हो पहली अटेम्प्ट में, ये दिस इज अ पॉजिटिव थिंग टू डू। अभी 6-7 महीने हैं, बहुत आगे तक लेके चलेंगे, 15-16 तक पहुंचा दूंगा नंबर, ठीक है? 15-16 निकलने लगेंगे एंड तक, बट जुड़े रहना, ठीक है? अगर मन से करोगे तो सारे तैयारी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे किसी का मेडिकल लेना है या नॉन मेडिकल, एक टैग है, दिस इज अ टैग। आपको ब्रांड बनना है कि नहीं ये आपको डिसाइड करना है और उस हिसाब से मेहनत करनी है। ओलंपियाड बहुत कम बच्चे क्लियर करते हैं, आईआईटी तो बहुत ज्यादा बच्चे क्लियर कर लेते हैं, बट ओलंपियाड हर कोई नहीं करता। अगर 10,000 बच्चे आईआईटी क्लियर करते हैं तो उनमें से 5,000 के करीबन प्री आरएमओ करते हैं, 5,000 तो ज्यादा ही बोल रहा हूँ, और फिर 1,000 के करीबन आरएमओ, और फिर 500 के करीबन या फिर उससे भी कम इनमो, फिर तो बस ठीक है बच्चों। सो हैव अ गुड डे और अच्छे से पढ़ो ब्रांड बनने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, मजा लेने के लिए, मैथ का मजा लो, पियर्सन को अच्छे से करो, एक एक क्वेश्चन को समझो, डाउट्स बनेंगे कोई बात नहीं, हम कल पूरी डिस्कशन करेंगे, और ओलंपियाड के प्रीवियस ईयर पेपर जो मैंने आपको दिए हैं उन पे स्टिक रहो, जस्ट अटैच टू देम। अब एक एक क्वेश्चन को अपने जहन में बिठा लो, एक दिन तो ऐसा आएगा जिस दिन क्वेश्चन हो जाएगा, सॉल्यूशंस नहीं देखने किसी ने, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर दैट डे, हैव अ गुड डे, थैंक यू सर।